हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्रिश का किसके साथ है कनेक्शन, क्या कहा ऋतिक ने इस पर? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा रिलीज होने के लिए तैयार है, वहीं क्रिश 5 को लेकर भी काफी चर्चा है। एक्टर ने फिल्म लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स से अपने कनेक्शन का खुलासा किया। JRR टोल्किन की लिखी गई इस फिल्म फ्रेंचाइजी को बेहद पसंद किया जाता है। ऋतिक ने साल 2004 के उस दिन को याद किया जब उनके पापा राकेश रोशन लॉर्ड्स ऑफ द रिंग को देख रहे थे। ऋतिक रोशन ने एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान बताया कि साल 2004 में जब मेरे पापा ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के पहले पार्ट को देखा, पूरी फिल्म देखने के बाद वो तुरंत ही दूसरे पार्ट को देखने लगे। इसके बाद वो तीसरे पार्ट को देखने का मोह छोड़ ही नहीं पाए। उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की ट्रायलॉजी एक के बाद एक ही दिन में देख डाली। ऋतिक रोशन ने खुलासा करते हुए कहा कि फिल्म को देखने के बाद मेरे पापा ने मुझे बुलाया और फिल्म की भव्यता और फिल्म के कैरेक्टर्स, सेटिंग्स और फिल्म मेकिंग पर गहन बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि हम अपनी फिल्मों के बाद के एडिशन क्यों नहीं बना सकते, कोई मिल गया के बारे में कैसा रहेगा। इस तरह क्रिश बनाने का ख्याल आया। ऋतिक रोशन ने क्रिश फ्रेंचाइजी के लिए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के मेकर्स का आभार जताते हुए कहा कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा उनका, क्योंकि उनकी वजह से ही क्रिश फ्रेंचाइजी बनाने का आइडिया मिला। आपको बता दें, क्रिश फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म कोई मिल गया 2003 में रिलीज हुई थी। फिल्म में ऋतिक रोशन और प्रीती जिंटा लीड रोल में थे। क्रिश 2006 में रिलीज हुई जिसमें ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा थे। क्रिश 3 2013 में रिलीज हुई थी जिसमें ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा के अलावा कंगना रनौत भी थी। तीनों ही फ्रेंचाइजी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। अब क्रिश 4 और क्रिश 5 को लेकर दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।